ओके फ्रेंड, अब एक्सरसाइज 3.2। हमने एडिशन की जो बात की है, मल्टीप्लिकेशन बाकी है अभी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने की हम बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हमने जो एडिशन की जो बात की है, उसके अकॉर्डिंग जो सम है 3.2 के अंदर, उसकी बात। तो 3.2 के अंदर सबसे पहला जो सम है, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 4, 3, 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1, 3, -2, 5 एंड मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू -2, 5, 3, 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए प्लस बी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, थर्ड क्वेश्चन 3a-, बहुत सिंपल सम है। और फोर्थ और फिफ्थ है ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये एडिशन की जो बात ही कही है वो है। ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स ए 2, 4, 3, 2 प्लस मैट्रिक्स बी तो 1, 3, -2, 5। अब इन दोनों का एडिशन, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड के साथ सेकंड, 4+3, उसके बाद 3 -2 और 2+5। तो उसको आप सिंप्लीफाई देंगे तो 3, 7, 1, 7। ये ए प्लस बी फाइंड किया। उसमें सेकंड सम है आपके पास, सेकंड सम है ए माइनस बी फाइंड करना है, यानी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने की बात मैंने अभी आगे सम में की थी। उसमें मैंने कि आपको ये बात बताई कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस बी। तो इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स ए और बी जो मैट्रिक्स है उसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े। हमारा बी मैट्रिक्स देखो कैसा है, 1, 3, -2, 5। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने माइनस भी लिखा है, तो आपको ये सभी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं 2, 4, 3, 2 प्लस मैट्रिक्स बी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -3, 2 एंड -5। तो ये सभी की साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इसका सिंप्लीफाई दे सकते हो तो 2+-1 यानी -1, 4+-3 यानी 4-3, यहाँ पे 3++2, 3++2, 2+-5 यानी -5। अब इसका सिंप्लीफाई तो 1, 1, 3+2, 5, 2-5 दैट इज -3। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, यानी कि ये फॉर्म में भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो थर्ड नंबर का सम है, इसमें थर्ड नंबर का सम है 3a-c। क्या है 3a-c, तो ए दैट इज 2, 4, 3, 2 माइनस सी, सी के अंदर है -2, 5, 3, 4। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि 3 किसके साथ मल्टीप्लाई में, सिर्फ ए के साथ है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2, 5, 3, 4। अब इसको माइनस आप अंदर ले जाओ और यहाँ पे प्लस कर दो तो भी चलेगा, या तो आप डायरेक्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी चलेगा। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बीच में माइनस है, ध्यान रखना है, यानी कि सभी की साइन आपको चेंज करने की है। 6 --+2 सेकंड एलिमेंट, 12 -5 ये 12 -5, 9 -3 और 6 -4। अब सिंप्लीफाई देते हैं, 8 और 12 -5 यानी 7, 9 -3 6,
सिक्स माइनस फोर यानी टू। ओके, यानी ऐसा एक पहला जो सम था, बहुत छोटा सा सिंपल सा सम था, आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर टू है, कंप्यूट द फॉलोइंग, ऐसा लिखा है,